दुनिया में हर दिन लाखों करोड़ों लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर घर बैठे ही अपने जरूरतमंद सामान खरीद लेते हैं। फिर चाहे खरीदार त्योहारों के लिए हो या निजी इच्छाओं के लिए, पिछले कुछ सालों में शॉपिंग करने का तरीका बदल सा गया है। अब पहले की तरह लोग मार्केट में जाकर सामान नहीं खरीदते, बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से सामान देखते हैं और पसंद आने पर ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। इसीलिए जो लोग बिजनेस करते हैं, जैसे कपड़ों की दुकान, किरानों की दुकान, पिज्जा की दुकान, उनका कारोबार ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की वजह से बंद सा हो गया है। उन लोगों के लिए बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसीलिए आज नाबी नेम की तरफ से हम लेकर आए हैं ऐसी रामबाण तरीके जो आपकी इस समस्या को पूरी तरह से दूर कर देगा। उस तरकीब का नाम है डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसकी जरूरत क्यों है और इसका इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना है, इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपके इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट, कंप्यूटर तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए की जाने वाली मार्केटिंग है। जैसे कि कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग करके बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचा सकती है, जिसे ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस या फिर किसी नई प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो उसे ढेर सारे लोग तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग करनी होती है। मार्केटिंग का मतलब है सही जगह सही समय पर अपने कस्टमर तक कनेक्ट होना। और आज के दौर में आपको अपने कस्टमर से उस जगह पर कनेक्ट होना होगा जहां वो अपना पूरा समय गुजारते हैं, और वो जगह है इंटरनेट। आज लोग रोड पे ऐसे नहीं चल रहे हैं बल्कि ऐसे चल रहे हैं। भारत में लगभग सभी वर्ग के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और हर दिन इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हो या छोटी कंपनियां, अब हर कोई मार्केटिंग करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े पोस्टर बैनर के द्वारा प्रमोट करते हैं, ठीक उसी तरह से ऑनलाइन इंटरनेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग से भी किया जा सकता है। ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑफलाइन मार्केटिंग वो दोनों का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना और ग्राहकों तक पहुँचा ना होता है। ऑफलाइन मार्केटिंग में प्रोडक्ट के विज्ञापन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से आप बहुत ही कम लागत में दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और अब हम जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। डिजिटल मार्केटिंग तकनीकी दौर ग्राहकों तक पहुँचाने का एक सरल माध्यम है। जब स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था तब लोग टीवी, न्यूज़पेपर और रेडियो का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते थे। तब इन सभी जगहों पर अनगिनत प्रोडक्ट का विज्ञापन देकर प्रचार करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है और लोग वही विज्ञापन को देखकर बाज़ार से प्रोडक्ट खरीद कर लाते थे। लेकिन इस डिजिटल इंडिया का डिजिटल दौर में खासकर युवा लोग पूरा समय फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में बिताते हैं, टीवी की जगह यूट्यूब से वीडियो देखते हैं और रेडियो की जगह अलग अलग ऐप्स पर गाने सुनते हैं और अखबार की जगह ऑनलाइन ब्लॉग्स पढ़ते हैं। यही कारण है कि अब कंपनियां अपना विज्ञापन का प्रसार डिजिटल तरीके से कर रही है और उन्हीं जगहों पर प्रचार करती है जहां ज़्यादातर लोग इंटरनेट यूज़र पाए जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कंपनियां को बहुत ग्राहकों तक
पहुंचाने में मदद मिलती है। पहले लोग बाजार जाकर सामान खरीद कर लाता था, लेकिन आज उसे भी कम समय में लोग वेबसाइट के जरिए घर बैठे ही इंटरनेट के जरिए अपने मनपसंद सामान की खरीदारी कर लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से ही केवल ग्राहकों को ही नहीं बल्कि व्यापारियों को भी व्यापार करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि इसे बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक जुड़ा जा सकता है, जिसे उसके उत्पादन के लिए बिक्री में तेजी हो रही है। डिजिटल मार्केटिंग की मांग वर्तमान समय में ज़्यादा देखी जा रही है, देखने को मिलती रही है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंचा जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। और दोस्तों, अब हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग कहाँ कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर अगले वीडियो का इंतज़ार के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।